गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू DSEJ टेली क्लासेस। माई सेल्फ नीरज शर्मा, टीचर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डोडा। इन टुडेज सेशन वी विल स्टार्ट फिफ्थ चैप्टर ऑफ 9th क्लास पॉलिटिकल साइंस, दैट इज डेमोक्रेटिक राइट्स। अभी तक हम चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक हमने डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में हो रहे एक मैकेनिज्म को हमने समझा कि कैसे कामकाज होते हैं। तो हमने तीन मेजर इंस्टीट्यूशंस को डिटेल में समझा, द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो वहाँ पे हमको ये भी समझने को मिला कि जितने भी डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी की वेल डिफाइंड ज्यूरिसडिक्शंस हैं, तो अपनी ज्यूरिसडिक्शन से को वो लिमिट्स को वो भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इलेक्टेड रूलर्स जो भी हैं वो भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हों या परमानेंट एग्जीक्यूटिव हों, सभी की वेल डिफाइंड ज्यूरिसडिक्शंस हैं, राइट। बट यहाँ पे क्या यही सेटअप जो है ये कंप्लीट है अपने आप में एक डेमोक्रेसी के लिए? तो अभी इसमें एक जो है वो कमी है, वो है कि सिटीजन्स के पास क्या अधिकार हैं, क्या उनके पास हकूक हैं, उसको कहते हैं हम राइट्स। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो राइट्स सिटीजन्स को दिए जाते हैं, एक आम शहरी को दिए जाते हैं, उनको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स। तो जब तक सिटीजन्स के पास राइट्स नहीं हों तो तब तक जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनको आप लिमिट्स में या ज्यूरिसडिक्शन में नहीं रख पाओगे, अनलेस एंड अनटिल कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो है वो कुछ बेसिक आपको जो राइट्स हों कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तो आज के इस सेशन में हम ये समझेंगे कि जो एक आम शहरी है वो उसके पास कौन से राइट्स ऐसे हैं कि जिनके बेसिस पे वो चाहे लेजिस्लेचर हो एग्जीक्यूटिव हो तो उनको वो लिमिट्स में रखने के लिए सक्षम होगा, कॉम्पिटेंट होगा और उसके पास भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होगी। तो जहाँ तक डेमोक्रेसी और राइट्स का आपस में रिलेशन है तो आपने शुरू के ही चैप्टर्स में ये चीज़ को समझ लिया होगा कि बगैर राइट्स के डेमोक्रेसी जो है वो पनप नहीं सकती है, बिकॉज आपने देखा कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स हैं वो इलेक्ट कौन करता है, वो सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं। तो सिटीजन्स के पास राइट टू वोट होता है, तो अगर उनके पास ये राइट ही ना हो तो फिर डेमोक्रेसी जो है वो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट टू मेक पॉलिटिकल पार्टीज एसोसिएशंस, तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये राइट्स हैं। तो आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आम शहरी के लिए कौन से राइट्स हैं। तो आज के इस सेशन का जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें हम बेसिक ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो राइट्स हैं उनका क्या मीनिंग है, एंड द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट्स, और जो अधिकार हैं हकूक हैं इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनकी क्या इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है जी। इनके मीनिंग और नीड को समझने के लिए हम यहाँ पे तीन केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे जो इन रियलिटी हुए हैं, और इनकी डिस्कशन के बाद जो है हम किसी कंक्लूजन तक पहुँच सकते हैं। तो आप सभी, आपकी बुक्स में भी ये तीनों रेफरेंसेस दिए हुए हैं NCERT की बुक में, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जो इसमें पहला केस स्टडी है वो है प्रिजन इन ग्वांटानामो बे, सेकंड एग्जांपल है सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया एंड द एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। तो ये तीन उदाहरणों के साथ, तीन केस स्टडीज़ को डिस्कस करने के बाद हम राइट्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हम गैदर कर पाएंगे, एंड देन वी विल बी एबल टू ड्रा आउट द मीनिंग ऑफ राइट्स, ओके। सो प्रिजन इन ग्वांटानामो बे जो है इसके बारे में हम समझते हैं। आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे समंदर के किनारे कोस्ट लाइन पे जो है ये एक जेल है, और इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको दूं, ये जो एरिया है
ये क्यूबा में एरिया है, बट इसको अमेरिकन नेवी जो है वो कंट्रोल कर रही थी। तो हुआ यूं कि 2001 के आसपास जो है न्यूयॉर्क में जो है वो टेररिस्ट अटैक्स हुए, ठीक है जी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है अमेरिकन आर्मी ने क्या काम किया, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड से अराउंड 600 पीपल जो है उनको सीक्रेटली उनको उठा लिया, उनको अरेस्ट किया और उनको इस ग्वांटनामो बे के जेल में जो है वो बंद कर दिया, राइट। तो ये किस गवर्नमेंट का काम था? ये यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्योंकि उनको लगा कि ये 600 लोग जो हैं ये सस्पेक्ट्स हैं वो न्यूयॉर्क में जो अटैक हुआ था ऑन 11 सितंबर 2001 को, कि उसमें कहीं ना कहीं टेररिस्ट लिंक्स इन लोगों के हैं। तो उन्होंने सीक्रेटली इन लोगों को उठा लिया अपनी अपनी कंट्रीज से, सिटीज से, और इनको इस जेल में जो है वो बंद कर दिया गया। ये जेल बनी ही इसी पर्पज़ के लिए थी कि यहाँ पे जो ड्रेडली टेररिस्ट थे उनको यहाँ पे इंटरोगेट किया जाता था। फिर क्या हो गया कि ये जो 600 लोग थे इनमें ज़्यादातर लोगों के ना फैमिली मेम्बर्स को ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आपके जो मिसिंग फैमिली मेम्बर्स हैं उनको यूएस गवर्नमेंट या यूएस आर्मी ने जो है उनको सस्पेक्ट मान के उनको अरेस्ट किया गया है। न उनके फैमिली मेम्बर्स को ये इन्फॉर्मेशन थी और न ही उनके रेस्पेक्टिव कंट्री की गवर्नमेंट्स को इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन थी उनकी इम्प्रिजनमेंट के बारे में। नो ट्रायल बिफोर एनी मैजिस्ट्रेट इन यूएस। तो जब उनको जेल में लिया गया तो उनको सिर्फ इंटेरोगेट किया गया, टॉर्चर किया गया, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, बट उनको किसी भी मैजिस्ट्रेट के सामने जो है वहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए नहीं पेश किया गया, जबकि वो चीज़ जो थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। प्रिजनर्स वर नॉट अलाउड टू अप्रोच कोर्ट्स इन दियर ओन कंट्रीज़। तो मान लीजिए उन 600 जो प्रिजनर्स थे उनको उनके रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ के कोर्ट्स के साथ भी कांटेक्ट नहीं करने दिया, उनको कोई लॉयर जो है वो अवेलेबल नहीं कराया गया जो उनको डिफेंड करता या उनको इनोसेंट साबित कर सकता, जो लोग उसमें इनोसेंट थे, राइट। तो ये एक और बहुत बड़ा जो है अनफॉर्चुनेट पार्ट था। तो उनको गुप्त तरीके से उस जेल में टॉर्चर किया गया, इंटरोगेट किया गया, उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने वो हंगर स्ट्राइक पे गए, बट उसके बावजूद भी उनको रिहा नहीं किया गया। तो जब फैमिली मेम्बर्स जो है उनकी खोज में निकले तो एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो उन्होंने इसके बारे में जो है जानकारी हासिल करने के लिए प्रयास किए एंड दे रिपोर्टेड दैट द प्रिजनर्स वर बीइंग टॉर्चर्ड इन वेज दैट वायलेटेड यूएस लॉज। तो उन्होंने फिर ये रिपोर्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्रिजनर्स कि उनके साथ वहाँ पे बहुत ही जो है दुर्व्यवहार हो रहा है और वो इस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है कि जो यूएस के अपने लॉज हैं उसके भी अगेनेस्ट जो है उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा था। देवर बींग डिनाइड द ट्रीटमेंट दैट इवन वार प्रिजनर्स गेट एज पर इंटरनेशनल ट्रीटीज़। तो जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं अलग अलग देशों की आपस में, तो उसके हिसाब से भी जो है वो गलत हो रहा था उन प्रिजनर्स के साथ, राइट। प्रिजनर्स वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक बट वर नॉट रिलीज इवन आफ्टर देवर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। तो फिर वो डिफरेंट एजेंसीज ने जो है वो डिक्लेयर किया कि ये गिल्टी नहीं है, बट उसके बावजूद भी उनको रिहा नहीं किया गया। सो फिर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल थी उन्होंने यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की डायरेक्ट इंटरवेंशन करवाई और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ही सेड टू क्लोज डाउन द प्रिजन। तो उन्होंने ये उनको बताया यूएस गवर्नमेंट को कि आप फौरन जो है ग्वांटनामो बे में जो प्रिजन है उसको फौरी तौर जो है उसको क्लोज़ कर दो, बट यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अभी तक वो जो है प्रिजन एज इट इज़ है। तो ये हमने एक कहानी समझी ग्वांटनामो बे की। अब हम दूसरी
यहाँ पे एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे। द सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया एक कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, बट वहाँ पे मोनार्की है, वहाँ पे राजा है आज भी, हेरिडिटरी किंग है, मींस फादर, फिर उसका बेटा किंग बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, तो ये प्रक्रिया वहाँ पे है। पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग आर चेंजिंग देयर रूलर्स। किंग सेलेक्ट्स द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड इवन अपॉइंट्स जजेस एंड इवन इन्फ्लुएंसेस द वर्डिक्ट्स गिवन बाय द जजेस। तो ये ऑब्वियस भी है, बिकॉज जहाँ मोनार्की है वहाँ पे जो भी राजा का डिसीजन होगा वही फाइनल है, बिकॉज कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी राजा के ज़रिए होती है, तो लिहाजा उनके जो डिसीजंस होंगे वो भी राजा पे ही डिपेंड करेंगे। नो पोलिटिकल पार्टीज़ आर ऑर्गनाइजेशंस कैन बी फ्रेम्ड। तो सऊदी अरेबिया में आप कोई पोलिटिकल पार्टीज़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप वहाँ के सिटीजन्स को ये राइट्स नहीं हैं। मीडिया कांट रिपोर्ट एनीथिंग दैट मोनार्क डिसलाइक्स। तो मीडिया जो है वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट नहीं है लाइक इंडिया और अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। मीडिया वहाँ पे वही रिपोर्ट कर सकती है जो वहाँ के किंग को, किंग की कन्वीनियंस के हिसाब से हो, राइट, जो किंग के अगेंस्ट बात हो, ऐसी किसी भी चीज़ को मीडिया हाईलाइट नहीं कर सकती है। नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो सऊदी अरेबिया में रिलीजन की फ्रीडम भी नहीं है, मींस एवरी सिटीजन इज़ रिक्वायर्ड टू बी अ मुस्लिम। सऊदी अरेबिया में जो है हर शहरी को मुस्लिम होना अनिवार्य है, एंड इफ़ नॉन मुस्लिम्स एग्जिस्ट देयर तो दे कांट प्रोपगेट देयर रिलीजन इन पब्लिक। उनको अपना जो भी उनकी जो धार्मिक रिचुअल्स हैं उनको उन्होंने वो सिर्फ प्राइवेट में ही कर सकते हैं, वो पब्लिक प्लेसेस पे कोई ऐसा उनको नहीं ला सकते हैं सरफेस पे, राइट। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी रिस्ट्रिक्शंस। वहाँ पे महिलाओं के साथ जो है वो कोई इक्वलिटी उनकी इन कंपैरिजन टू जो मेल है नहीं है। महिलाओं को लास्ट 2015 में ही राइट टू वोट वहाँ पे मिला है सऊदी अरेबिया में, राइट। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज़ कंसीडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ टू वुमेन। तो वहाँ की टू वुमेन का जो स्टेटस है वो एक मैन के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी वहाँ पे है, वहाँ पे महिलाओं की जो उनको इन्फीरियर माना जाता है, राइट। तो ये हमने दूसरा एक उदाहरण पढ़ा, ये कहाँ का है, सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे मोनार्की है। तो आपका यहाँ पे ये एक्सक्यूज़ हो सकता है कि सर वो तो मोनार्की है लिहाजा वहाँ पे सिटीजन्स के साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है, बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता होगा। या जो पहले हमने एग्जांपल पढ़ी ग्वांटानामो बे की, वहाँ पे भी एक चीज़ जो है वो एक्सेप्शन है, वो ये है कि किसी एक कंट्री ने बाकी की अलग अलग देशों के सिटीजन्स को टॉर्चर किया, उनके राइट्स को वायलेट किया, अपने सिटीजन्स के साथ नहीं किया। और यहाँ पे अपने सिटीजन्स के साथ ही ये डिस्क्रिमिनेशन है, बट यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो अब हम एक ऐसी एग्जांपल समझेंगे जहाँ पे डेमोक्रेसी भी है और वहाँ पे अत्याचार भी वहीं के सिटीजन्स के साथ हुआ है। सो एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। कोसोवो जो है ये एक प्रोविंस था यूगोस्लाविया में बिफोर इट्स स्प्लिट, राइट। मैप में भी आप देख सकते हैं कोसोवो यहाँ पे है, ये यहाँ पे कोसोवो है यहाँ पे। तो कोसोवो में क्या है, वहाँ पे दो एथनिक कम्युनिटीज़ थी। इन कोसोवो मेजॉरिटी वाज फ्रॉम एथनिक अल्बेनियन, इन रेस्ट ऑफ द कंट्री सर्ब्स वर इन मेजॉरिटी। तो वहाँ पे क्या था कि कोसोवो में ज़्यादातर जो लोग थे वो अल्बेनियन एथनिसिटी के थे, बाकी के सारे देश में जो लोग थे वो ज़्यादातर सर्ब एथनिसिटी से बिलोंग करते थे, राइट। तो सर्ब्स जो थे वो हमेशा से वहाँ पे जो है डोमिनेट करना चाहते थे कंट्री को, बिकॉज वो वहाँ पे मेजॉरिटी में थे। तो हुआ यूं कि डेमोक्रेसी थी, इलेक्शंस हुए, सर्ब नेशनलिस्ट नेम्ड मिलोशेविक वन इलेक्शन।
तो एक बार हो गया ऐसा कि एक नैरो माइंडेड सर्ब जो है वहाँ का नेशनलिस्ट, वो वहाँ इलेक्शन जीत गया, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे बनाई, एंड देन ही स्टार्टेड टू डोमिनेट द कंट्री. व्हाट ही डिड, हिज गवर्नमेंट वाज वेरी हॉस्टाइल टू कोसोवो अल्बेनियंस. इन अप्रैल 1999 इन एन अल्बेनियन फैमिली, वहाँ पे अब उनको ओप्रेस करना उन्होंने शुरू कर दिया अल्बेनियन एथनिसिटी के लोगों को, राइट. तो एक एग्जांपल, एक फैमिली का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, वहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि बाकी लोगों के साथ भी किस तरीके का वहाँ पे व्यवहार हुआ होगा. अ 74-year-old बटिशा होक्सा वॉज सिटिंग इन हर किचन विद हर 77-year-old हस्बैंड इजर्ट, राइट. देन सडनली 5 to 6 सोल्जर्स ऑफ सर्बियन ट्रूप्स एंटर्ड देयर होम एंड शॉट इजर्ट थ्राइस इन हिज चेस्ट. तो वो लोग अंदर आ गए सर्बियन आर्मी के सोल्जर्स, और उन्होंने उनको पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आप वेयर आर योर चिल्ड्रन, और अभी उनका रिप्लाई भी नहीं आया था, इतने में उन्होंने उस लेडी के हस्बैंड को गोलियां मार के उसको मार दिया, राइट. लेडी को जो है उसको घसीट के बाहर ले गए और उसके हाथ से जो रिंग्स थी लगी फिंगर्स में वो निकाल दी और उसके घर को जला दिया. तो ये एक टिपिकल स्टोरी है वहाँ की, कि वहाँ पे जब सर्ब्स को गवर्नमेंट में आए, एक इलेक्टेड रूलर ने ऐसा व्यवहार वहाँ के अपने सिटीजन्स के साथ किया, राइट. दिस थाउजेंड्स ऑफ अल्बेनियंस वर किल्ड इन द सेम वे. तो बहुत हज़ारों में वहाँ पे लोगों के साथ इस तरीके से टॉर्चर करके उनको मारा गया. दिस मिसेक्कर वॉज कैरीड आउट बाई द आर्मी ऑफ देयर ओन कंट्री वर्किंग अंडर द ऑर्डर ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट. तो नोट करने वाली बात यहाँ पे क्या है कि ये अत्याचार जो थे, ये जो किलिंग्स थी, ये कौन करवा रहा था? ये कोई दुश्मन देश का आक्रमण नहीं था, राइट. ये कि कोई दूसरा देश नहीं कर रहा था अत्याचार, बट वहाँ का इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उनके हुक्म से वहाँ की आर्मी अपने ही देश के लोगों के साथ ऐसा कर रही थी. तो आपने तीन डिफरेंट यहाँ पे रेफरेंसेस समझे. तो यहाँ से हम क्या समझते हैं, अब थोड़ा ऐसे सोचिए कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप क्या करते, आपका दिल, आपकी क्या ख्वाहिशात होती. ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है. तो हम सभी लोग जो हैं वो सभी यही विश करते कि परहैप्स ऑल ऑफ अस वुड डिज़ायर अ सिस्टम वेयर सिक्योरिटी डिग्निटी एंड जस्टिस इज अश्योर्ड टू एवरीवन. तो हम सभी लोगों का ऐसा विचार होता कि ऐसा एक लाइफस्टाइल होना चाहिए जहाँ पे सिक्योरिटी हो, जहाँ पे डिग्निटी मेंटेन रहे, और जहाँ पे जस्टिस जो है वो डिलीवर किया जाए. कोई फियरफुल लाइफ नहीं हो जिसमें लोगों की किलिंग्स हो, वायलेंस हो, राइट. सभी लोगों की ये ख्वाहिशात हैं. तो ये जो विशेज़ हैं इन्होंने ही जन्म दिया है राइट्स के कॉन्सेप्ट को. ओके, यू माइट वांट दैट नो वन शुड बी अरेस्टेड विदाउट प्रॉपर रीज़न एंड इन्फॉर्मेशन. तो ये भी आप विश करते, अगर हम ग्वांटानामो बे की एग्जांपल को कंसिडरेशन में लें तो हम ये बता सकते हैं कि बिना कोई सॉलिड रीज़न के, एविडेंस के जो है किसी को अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए. और इफ़ समवन इज़ अरेस्टेड ही शुड बी गिवन ए फेयर चांस टू प्रूव हिमसेल्फ एज इनोसेंट. तो उसको ये मौका मिले कि वो अपने लॉयर हायर करे, कोर्ट्स को अप्रोच करे ताकि वो अपने आप को इनोसेंट साबित कर सके. तो ये इस तरह की जो फीलिंग है, ये फीलिंग ने ही जन्म दिया है राइट्स को. और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि कुछ ऐसी बेसिक राइट्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन में रखना ज़रूरी है, अदरवाइज कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट की नीयत भी कभी ख़राब हो सकती है, राइट. कोई ऐसा भी रूलर आ सकता है जो संविधान को नहीं माने और जुरिस्ट अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाए, उस वक़्त जो सिटीजन्स वहाँ के होंगे तो वो सफ़र न करें. इसके लिए राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखा गया है. तो हम आने वाले सेशन और इस सेशन में हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए, आम शहरी के लिए कौन से राइट्स हैं. सो व्हाट आर राइट्स, इन ऑर्डर टू लिव हैप्पीली
without fear and without being subjected to degraded treatment, we expect others to behave in such a way that does not harm or hurt us. तो सभी लोग ये चाहते हैं कि बाकी लोग इस तरीके से बिहेव करें कि जिससे न हमें कोई नुकसान हो न हम हर्ट हों, राइट? बट ये सिर्फ हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, दूसरे लोगों की भी हमसे यही एक्सपेक्टेशन रहती है, राइट? इक्वली आवर एक्शंस शुड नॉट आल्सो हार्म और हर्ट अदर्स, सो द क्लेम्स वी मेक शुड बी रीजनेबल. तो इसलिए हम जो क्लेम्स करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो हम कोई ऐसा क्लेम ना करें जिससे हम तो खुद खुश रहें, हम तो ठीक रहें, बट उससे कोई दूसरी कम्युनिटी, दूसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो हो वो हर्ट हों, वो डिप्रेस हों, राइट? तो इस किस्म की फीलिंग्स जो हैं बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं राइट्स. राइट्स हमें ये प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे हम इस किस्म का एक वातावरण बना सकते हैं जहाँ पे सभी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, डिफरेंट एथनिसिटीज़ के, कास्ट, कलर, क्रीड्स के लोग जो हैं वो सहमति के साथ जो है वो मिलजुल के भाईचारे में रहें. राइट्स एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी. देखिए, इंडिविजुअल क्लेम्स जो हैं उनको हम राइट्स नहीं कह सकते हैं, बिकॉज कभी भी मैं, अगर मुझे पूछा जाए कि आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, तो मैं अपने आपको सेंटर मान के अगर मैं विशेस बताऊं तो बहुत सारी ऐसी होंगी लेकिन वो फुलफ़िल करना इम्पॉसिबल है, और ना उससे कोई लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा. इसलिए हमारे जो क्लेम्स होंगे वो सोसाइटी भी उनको एक्नॉलेज करनी चाहिए, और वो क्लेम्स अगर रीज़नेबल होंगे तभी जाके सोसाइटी उनको एक्नॉलेज करेगी और एंडोर्स करेगी. इसलिए राइट्स हमेशा सोसाइटी में ही होते हैं. व्हाट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी इज एज राइटफुल बिकम्स द बेसिस ऑफ राइट्स. व्हेन सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स आर रिटन इनटू लॉ दे एक्वायर रियल फोर्स, अदरवाइज दे रिमेन मेयरली एज नेचुरल आर मॉरल राइट्स. अब मान लीजिए कि सोसाइटी जो है बहुत बड़ी सोसाइटी जो है उनका एक ऐसा रीज़नेबल क्लेम होगा जिस पे वो सभी चाहते होंगे कि ये एक राइट होना चाहिए, बट जब तक ना कानून की उस पे मोहर लग जाए, कानून का उसको अप्रूवल मिले, सेंक्शन मिले, तब तक वो क्लेम जो उनका है वो एक मॉरल राइट ही रह जाएगा, वो एनफोर्सेबल नहीं होगा. उसको एनफोर्सेबल बनाने के लिए, उसको लीगल सेंक्शन के लिए जो है कानून की अप्रूवल की ज़रूरत रहती है. व्हेन सम क्लेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ दे बिकम एनफोर्सेबल, राइट? तो क्वेश्चन ये है कि हमारा जो सोसाइटी की वेलफेयर है उसमें सोसाइटी में डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज रहती हैं विद इन अ सोसाइटी, राइट? डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, तो वो सभी एक दूसरे के साथ उनका ऐसा बिहेवियर हो कि न वो उनको हर्ट करें और न वो वापस हर्ट हों. तो इसके लिए कुछ बेसिक राइट्स जो हैं वो सभी सिटीजन्स के पास रहते हैं. तो ये फीलिंग जो है ये जन्म देती है राइट्स के कॉन्सेप्ट को. तो हम कैसे एक लाइन में ये बता पाएंगे, इसको जनरलाइज क्या करेंगे हम, जो अभी हमने डिस्कशन किया. राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्संस recognized by society and sanctioned by law. तो बहुत ही suitable definition जो है वो rights की ये है कि एक तो वो reasonable claims हों, right? उनकी कोई जवाजियत होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं कि जिसके मन में जो आ जाए वो उस चीज़ को, अपने claim को जो है वो right साबित करने में लग जाए. reasonable claims हों जिनको society में recognition मिली हुई होनी चाहिए और उनको कानून की नज़र में भी sanction मिली हुई होनी चाहिए, उनको हम कहते हैं राइट्स. तो नीड क्या है राइट्स की? राइट्स परफॉर्म अ वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी. आपने ये देखा, राइट टू वोट, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस. इन राइट्स की वजह से आपके पास एक हेल्दी कंपटीशन आप तैयार कर पाते हैं. अदरवाइज अगर ये राइट्स होते नहीं, ये किसी एक ही क्लास को होते, मान लीजिए सिर्फ रिच लोगों को ये राइट्स होते, तो फिर रिच ही हमारे रूलर हो सकते थे, रिच लोग ही आपस वही वोट कास्ट करते.
तो ऐसा नहीं है, ये इसको ओपन इसलिए रखा गया है, ये राइट सबके लिए इसलिए रखा गया है ताकि सभी लोग जो हैं एक हेल्दी कंपटीशन में एक कॉम्पिटेंट आदमी को अपना रूलर बनाएं, राइट। तो इसलिए डेमोक्रेसी के साथ जो है राइट्स का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ फ्राम द ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी। अगर राइट्स नहीं हों तो फिर माइनॉरिटी जो है उसको ओप्रेस करना, डिप्रेस करना जो है बहुत इजी होगा। जैसा कि आपने कोसोवो के केस में देखा, सर्ब्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे तो उन्होंने अल्बेनियंस के साथ बहुत दुष्ट व्यवहार किया, बट अगर वहाँ पे राइट्स उनके पास होते तो वो अपने राइट्स को क्लेम करते, उनको एनफोर्स करने के लिए वो कोर्ट्स तक जाते और इस किस्म की परिस्थितियाँ आगे न हों। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट्स को रखा जाता है और उनकी अवेयरनेस भी जो है वो की जाती है, प्रचार और प्रसार किया जाता है कि सभी सिटीजन जो हैं वो वेल अवेयर्ड हों अपने राइट्स से। तो आपने देखा कोसोवो में राइट्स की वायलेशन कैसे हुई, तो ये चीज़ें दोबारा न हों उसके लिए हमको राइट्स के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आप देखें डेमोक्रेसी जो है मींस रूल ऑफ मेजॉरिटी, राइट। तो इसलिए वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं इसका मतलब वो हमेशा जो हैं वो ख़तरे में हैं, वो बिल्कुल ख़तरे में होते अगर राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो राइट्स की होने की वजह से वो भी इक्वली सिक्योर हो जाते हैं कि मेजॉरिटी भी उनके साथ कोई दुष्ट व्यवहार नहीं कर पाती है, बिकॉज उनके पास भी कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो रहते हैं। Rights are guarantees which can be used when some citizens may wish to take away the rights of others. तो जब कभी भी कोई discrimination हो रहा हो तो rights जो हैं उनकी वजह से जो है उस discrimination को ख़त्म किया जाता है। तो इस need को जो है generalize हम करेंगे, और लास्की ने बहुत खूब कहा है rights के बारे में, that rights are those conditions of social life without which no man can seek in general to be himself at his best. तो जनरली बात उन्होंने बताई है कि आम तौर पे जो शहरी हैं वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ, डेवलपमेंट, वेलफेयर जो है वो उस तक नहीं पहुंच सकते हैं राइट्स की एब्सेंस में, भले ही वो कॉम्पिटेंट भी अगर हों। तो अगर आपके पास अधिकार ही नहीं है तो आपको एक रेस में दौड़ने का जो है वो राइट ही नहीं है, तो आप उसमें नंबर वन, नंबर टू या नंबर थ्री कैसे आएंगे। तो इसलिए राइट्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेशन जो है, जब कभी भी आप नीड ऑफ राइट्स लिखेंगे, राइट्स के बारे में बात करेंगे, तो इस डेफिनेशन को इसका रेफरेंस ज़रूर देना। तो इस सारे डिस्कशन से, इस सेशन से हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि राइट्स हेल्प अस टू एस्टेब्लिश ए सिस्टम वेयर एटलीस्ट ए मिनिमम इज़ गारंटीड टू एवरीवन। आप देखिए राइट्स हमें एक ऐसा माहौल देते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे मिनिमम जो वेलफेयर है, मिनिमम जो बेनिफिट्स हैं, मिनिमम जो प्रिविलेजेस हैं वो सभी को जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में राइट्स मदद करते हैं, और वो जो प्रिविलेजेस होते हैं वो गारंटीड होते हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं होता है, राइट। तो वो किन सभी के बीच में जो है प्रिविलेजेस जो हैं मिलती हैं, बांटे जाते हैं, पावरफुल हूँ या वीक हूँ, रिच हूँ और पुअर हूँ, मेजॉरिटी हो और माइनॉरिटी हो, सभी को जो है मिनिमम जो गारंटी है रहती है प्रिविलेजेस की, राइट। तो यही इससे हमने समझा कि फॉर द सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी राइट्स जो हैं दे आर प्री रिक्विजाइट। अगर राइट्स नहीं हैं तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है, और अगर दोनों नहीं हैं तो फिर वेलफेयर या हम कोई किसी समाज की, हम उसकी फलाह व बहबूद की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो राइट्स ही इन सभी चीज़ों को जो है वो प्रैक्टिकल शेप देने में मदद करते हैं। अदरवाइज इंस्टीट्यूशंस भी गलत कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स भी गलत कर सकते हैं, लेजिस्लेटर्स भी गलत कर सकते हैं, राइट।
तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनकी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझेंगे, इसी कड़ी को आगे ले जाएंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।